जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी है और इसी के साथ ही ढेरों कामयाबी, उम्र छोटी सी 24 साल। अभी ये जो आपका वेलकम किया जा रहा है, हर जगह आपका स्वागत हो रहा है, फैंस चाहने वाले उमड़ पड़ रहे हैं, क्या है एल्विश यादव में जिसकी वजह से वो लोगों के चहेते बनते जा रहे हैं लगातार? जैसे बिग बॉस में जीता उसके बाद मैंने भी सेम क्वेश्चन पूछा बाहर निकल के कि मैंने ऐसा क्या करा है जो लोगों ने मुझे वोट करा है। हाँ। तो काफी जगह से एक सेम क्वेश्चन सेम आंसर निकल के आया कि भाई जो तुम बाहर थे वो ही तुम अंदर थे। तो मतलब पर्सनालिटी मेरी काफी रियल लगी लोगों को, जिससे वो रिलेट करते हैं, इसलिए मुझे पसंद करते। क्या करना पसंद है एल्विश को, अपने जो आपके चाहने वाले हैं क्या बताएंगे उनको, क्या करते हैं एल्विश सुबह से शाम तक का क्या होता है रूटीन आपका? सुबह से वैसे मैं ब्लॉग बनाता हूँ, उसमें सुबह से शाम तक मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। बिल्कुल। तो सुबह तो मैं सोता हूँ, रात को मैं ज्यादा जागता हूँ, बस यार दोस्तों में घूमता रहता हूँ, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं करता। वो तो हमने आपके वीडियोस में भी देखा है कि यार दोस्तों के साथ आपकी किस तरह की केमिस्ट्री है। लेकिन ये बताइए, ये जो बड़ी कामयाबी आपने बिग बॉस के ओटीटी सीजन में हासिल की है, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? यही कि देसी अंदाज है, जैसा बाहर वैसा ही अंदर था, इसलिए लोगों ने पसंद किया और वोट किया? पब्लिक मुझे पहले भी पसंद करती थी काफी ज्यादा, वो रिलेट करती थी कि हमारे बीच का ही कोई गया है, तो ये वाला जब फैक्टर आ जाता ना तो कसर नहीं छोड़ते। पीछे से मेरी टीम, मेरे जितने भी भाई थे, एक प्रॉपर मैंने जब बाहर निकल के देखा कि क्या करा इन्होंने, प्रॉपर जैसे इलेक्शंस में कैंपेनिंग होती है ना। हाँ। सेम वैसे। अब इलेक्शन की बात होगी, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उसके पहले मैं पूछ लेती हूँ, और आपकी तस्वीरें भी अलग अलग जगहों की जो लगातार हमारे पास आई है वो हम दिखा रहे हैं। अभी मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनके साथ आप एक प्रोग्राम में गए, आपका वेलकम जिस ग्रैंड तरीके से किया गया, इरादा क्या है एल्विश अब 24 साल की उम्र के बाद, जैसे ही 25वें में क्रॉस करेंगे चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, अभी तक तो कोई प्लान नहीं है ऐसा। क्या कहा मनोहर लाल जी ने, मुख्यमंत्री ने? नहीं, वो बस अपना आशीर्वाद देने आए थे कि बहुत अच्छा करा आपने हरियाणा के यूथ के लिए, बहुत अच्छा एग्जांपल सेट करा कि वो लोग भी आगे बढ़े। वैसे पॉलिटिकल कोई बात नहीं हुई हमारी, हरियाणा की छोरे ने कमाल कर दिया ये तो कहा, लेकिन पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं हुई? नहीं, पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं। आपका क्या इरादा है? मेरा भी सेम इरादा है कि अभी तो मैं इसी जोन में हूँ, इसी लाइन में हूँ, और इसी में थोड़ी मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, बाद का बाद में। पैसे कमाने का इरादा है? कितना पैसा कमाना चाहते हैं एल्विश? कि चार जने कहे भाई एल्विश सर तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। अच्छा, आप ये बताएं, अभी हाल ही में एक कार के साथ आपकी जो फोटो बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हुई है, महंगी गाड़ियों का शौक है आपको, जरा उसके बारे में बताइए, कब खरीदा बिग बॉस से निकलने के बाद, उस प्राइस मनी का क्या क्या है वो पूरा? वो पहले से थी मेरी, पहले से थी जी। फोटो आ गई तो लोगों ने कहा कि अभी नई खरीद? नहीं, उसका मैंने कलर चेंज करा है, इसलिए उनको लग रहा है कि वो नई गाड़ी है। बिग बॉस से जो पैसा मिला उसका क्या हुआ? अभी वैसे क्रेडिट नहीं हुआ मेरे अकाउंट में, वो थोड़ा लेट करते हैं इस चीज में, बट आएगा तो कुछ। कब तक दे देंगे और क्या इरादा क्या है उन पैसों का, फिर क्या करने वाले हैं आप? कुछ नहीं सोचा मैंने अभी, कुछ नहीं सोचा है। घर में आपके कौन कौन है एल्विश? घर में मेरे माता पिता, मेरी दादी और मेरी बहन, मतलब उनकी शादी हो गई, बस इतने लोग हैं। तो घर में भी वही देसी अंदाज, पहले जब आप वीडियो बनाते होंगे तो डांट पड़ती थी या लोग सपोर्ट करते थे घर वाले कि बहुत अच्छा काम करो, वीडियो तुम्हारी बहुत पसंद किए जा रहे हैं? नहीं, सपोर्ट भी नहीं करते थे, मम्मी सपोर्ट करती थी काफी, पापा बस ये सोचते थे कि क्या कर रहा है, क्योंकि मैं लड़की भी खुद बन जाता था, चुन्नी उन्नी ओढ़ के मम्मी की चुन्नी पहन के, पापा कहते थे यार क्या चीज है, उनके समझ में नहीं आता सोशल मीडिया गाँव में कि यार ये क्या नई चीज है, उनको ऐसा लगता था डॉक्टर इंजीनियर ये सही है, बट जो ये वाली लाइन है ये क्या है, तो इसलिए वो थोड़ा वैसे करते थे कि तू भाई यूपीएससी का पेपर दे, कुछ अच्छा कर, सरकारी नौकरी कर, सरकारी नौकरी कर, आपके पापा की ओर से लगातार कहा जाता था। हाँ, मम्मी। और अभी जब इतना हीरो जैसा आपको देखते हैं लोगों के बीच में, तब पापा क्या बोलते हैं? नहीं, पापा को तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, मेरे मुंह पे उतना बताते नहीं, बट पीठ पीछे काफी बोलते हैं, मतलब पीठ पीछे उनको लगता है, अभी आपको नहीं बताना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि इसका दिमाग जो है वो सातवें आसमान पर चढ़ जाए, इसलिए सर जी मे बी। जब आपने जीता बिग बॉस तो उसके बाद घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? नहीं, एक फैमिली वीक था जिसमें घर वाले भी आए थे और फिनाले में भी आए थे घर वाले मेरे, बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, उनको पहले से ही हो गया था कि ये जीतेगा पक्का। अभी सुनने में आ रहा है, हालांकि आपकी 24 साल बहुत छोटी उम्र है, लेकिन शादियों की लंबी कतार लग गई है, सब लोग शादियों के प्रपोजल लेकर आपके पास आ रहे हैं? नहीं, पहले भी मेल्स आते थे मेरे पास कि हमसे शादी कर लो, और कईयों के घर वालों के, किसी के भाई के, किसी के बहन के आते थे कि हमारी बहन से शादी कर लो, हमसे कर लो, अब भी बढ़ गए, बट अभी नो प्लान्स, अभी कोई प्लान नहीं है। गर्लफ्रेंड? जी है, बिल्कुल है। है जी। तो उसका क्या इरादा है, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हीरो बनने के बाद फिर आगे, अभी शादी का प्रॉमिस है नहीं है, और क्या उनकी ओर से क्या कहा जाता है, अगर आप थोड़ा बता पाई? नहीं, उनकी ओर से कहा जाता है कि जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो।
एक और चीज, बहुत सारे और सवाल है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक और चीज आपको लेकर बड़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सी भी रहती है। जो आपके विरोधी है वो कहते हैं कि एल्विस जो वीडियो बनाता था वो ज्यादातर फीमेल्स को टारगेट करते हुए बनाया जाता था। हाल ही में मैंने भी ऐसे कई वीडियो देखे हैं। दूसरी तरफ सलमान खान से भी पंगा आपका, जिसके बाद आपकी आपकी जो ट्रोल आर्मी थी वो लगातार फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करने लगी। तो ये भाईजान से पंगा लेना, मतलब क्या सोच के लिया था? नहीं, पंगा नहीं लिया था मैंने, 2020 में रोस्ट करा था उनका, नहीं मैंने बहुत लोगों का करा था। और उसके बाद फिर ये तो पुरानी चीज होगी, 3 साल हो गए। अब नया स्टार्ट करा, वहां पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, और वो जो उनका तरीका था समझाने का वो भी बहुत अच्छा था। एज अ बिग ब्रदर वो समझा रहे थे कि आप ऐसे गलत किया आपने, और मैंने भी एक्सेप्ट करा खुल के कि हाँ आई एडमिट, आई अपोलोजाइज। अच्छा, आपने माफी मांगी फिर, आपने कहा कि हाँ गलती हो गई मुझसे। हाँ जी, वो गलती थी मेरी, गलती थी आपकी जी। और ये लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर जो आपके वीडियोस वायरल होते हैं बहुत ज्यादा, कहा जाता है लड़कियों को खास तौर से टारगेट करके आप वीडियोस बनाते हैं, क्यों करते हैं? जो वीडियोस आपके पास आ रही हैं वो क्या तो ट्रिम होके आ रही हैं, आपने पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं सुना होगा उसका, या फिर किसी की रिप्लाई वीडियो होगी, वो कभी एक्शन नहीं करता मैं अपनी साइड से, ऑलवेज रिएक्शन या फिर टिप्पणियां, वो भी अलग अंदाज में। सुनने में आया है बॉलीवुड से भी कुछ ऑफर आ रहे हैं आपको, या ओटीटी प्लेटफॉर्म से अलग अलग कुछ सीरीज के लिए? काफी कुछ आ रहा है, सीरीज के भी आ रहे हैं, शोज के भी आ रहे हैं, मूवीज के भी आ रहे हैं। तो कौन सी सीरीज में काम करने जा रहे हैं एल्विस? अभी फाइनल नहीं हुआ कुछ भी, फाइनल होगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। सब्जेक्ट कौन सा पसंद है आपको? मुझे सब्जेक्ट कौन सा, ये पढ़ाई लिखाई में सब्जेक्ट? पढ़ाई लिखाई पे नहीं। अच्छा, वैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी ओटीटी सीरीज के लिए या फिर फिल्मों के लिए, तो आप अपने आप को अब कैसे देखना चाहते हैं पर्दे पर? मुझे थ्रिलर मूवीज बहुत पसंद है, थ्रिल जो इसमें होता ना, मैं उसमें विलन बनना चाहता हूँ। आपको विलन बनना पसंद है? अभी लोग आपको हीरो की तरह देख रहे हैं, तो जब आप विलन बनेंगे तो आपको लग रहा है कि लोग एक्सेप्ट कर लेंगे उसी तरीके से? नहीं, बहुत सारी मूवीज होती हैं जिसमें विलन ही हीरो होता है। आपका रोल मॉडल कौन है? सोचा ही नहीं मैंने ये भी कभी। कोई तो होगा बॉलीवुड में, बाकी ओटीटी पे कहीं तो होगा। कोई भी नहीं है, कोई भी, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब दर्शक कहेंगे कि ऐसा तो नहीं एरोगेंस इनका बोल रहा है कि हीरो हो गए हैं तो अभी? नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसे मुझे बहुत सारे लोग पसंद हैं, बट ऐसे कि मुझे इसके जैसा बनना है वैसा मैंने नहीं। कौन कौन पसंद है? मुझे अक्षय कुमार भी पसंद है, ऋतिक रोशन भी पसंद है, शाहिद कपूर भी पसंद है, सब पसंद है मुझे। अपने आप को फिट रखने के लिए, आपने अक्षय कुमार का सबका नाम लिया, फिट रखने के लिए एल्विस क्या करते हैं? मैं फिट रहने के लिए सोता हूँ। इसको सुन के बहुत सारे लोग खुश होने वाले हैं कि सोने से व्यक्ति फिट हो जाता है। प्लीज आप सच बताइए, क्या करते हो आप सोने से? सही में सोता हूँ। कितने घंटे? मैं तो एक दिन तो 24 घंटे सो गया था। क्या बात कर रहे हो, कौन सा दिन था वो जब 24 घंटे सो गए थे आप? ऐसे कई दिन आए लाइफ में जब 24 घंटे बाद सो गया। ऐसे ही मतलब 24 घंटे कौन सोता है भाई? हम सोते हैं। क्या किया था 24 घंटे, मतलब कुछ भी खाना पीना कैसे हुआ, ब्रेकफास्ट नाश्ता, आपके ये जो रील्स कैसे बने होंगे? एक बार आंख खुली तो इतने बज रहे थे, फिर आंख खुली तो फिर अगले दिन के 24 घंटे गुजरने के बाद। घर वालों ने डांटा नहीं, माँ की मारनी पड़ी आपको 24 घंटे से बेटा सो रहा है? नहीं, बीच में आई थी कि खाना खा ले, खाना खा ले, तो मैं सो यार प्लीज। सोने के शौकीन है जी। फिट कैसे, आप इतने फिट दिखाई दे रहे, सोने से तो नहीं बन सकता ना व्यक्ति? नहीं, मैं पहले जिम जाता था, फिर मेरे थोड़ी बैक इंजरी होगी तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा, तो अभी आप नहीं जाते हैं जिम, लेकिन आपको लगता है रिलैक्स होने के लिए? और मैं पहले बैडमिंटन भी खेलता था। ओके, तो अभी सब छोड़ के रखा हुआ है, अभी तो थोड़ा बैक ठीक होने तक। ठीक है, फिल्मों में किस तरह के रोल आप खुद के लिए चाहते हैं? क्योंकि अब आपका जो दायरा था एक छोटी जगह से वो बहुत बड़ा हो चुका है, देश नहीं विदेशों में भी आपको इतना पसंद किया जा रहा है, ऑफर भी मिल रहे हैं, तो किस तरह के ऑफर अगर आपको आते हैं तो तुरंत एल्विस हीरो बनने को तैयार है? मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉमेडी होती है वो सबसे मुश्किल होती है करनी। हाँ। बहुत कम लोग कर पाते हैं, किसी को हंसाना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत अच्छी बात भी। हाँ। तो अगर कोई कॉमेडी पिक्चर मुझे मिलेगी तो जरूर। गाना क्या सुनाएंगे हमारे दर्शकों को आप? अच्छा, गाना भी सुनाना है क्या मुझे? सुनाना है। मैं तो कोई भी सुना दूंगा, कोई भी जो आपका फेवरेट हो, जो आप सुनाना चाहें बिल्कुल बिंदास, वैसे एल्विस वाले अंदाज में। वैसे मेरी इतनी अच्छी आवाज नहीं है, बट फिर भी आई ट्राई। ठीक है, धड़कन मूवी का गाना है। ठीक है। हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, कैसा मंजर है मेरी आंखों में कैसा एहसास है, पास दरिया है दूर सहरा है फिर भी क्यों प्यास है, कदमों में जहां ये रख दूं मुझसे आंखें चार कर लो जितना बेकर